स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज मैं आपको एक रोज़मर्रा की प्रॉब्लम है जो फेसबुक मार्केटिंग करते हैं लोग, उनको एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हमारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के एड्स होते हैं फेसबुक में। वीडियो ऐड होते हैं, क्राउजल एड्स होते हैं, सिंगल इमेज एड्स होते हैं और बहुत सारे तरीके के एड्स होते हैं। इवन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अलग अलग प्लेसमेंट्स अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग साइजेस चाहिए होते हैं। तो कैसे आप अपनी इस प्रॉब्लम से इजीली आपको निजात मिलेगा और आपको सारी डिटेल्स क्लियर होंगी कि किस सेक्शन के लिए किस मतलब जो आप ऐड अगर फीड में चलाना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे चलाना चाहते हैं, मोबाइल पे चलाना चाहते हैं, वीडियो चलाना चाहते हैं, अलग अलग तरीके के ऐड चलाना चाहते हैं, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम क्या रिकमेंड करते हैं, कौन से साइजेस, कौन से रेजोल्यूशंस, प्लस उसके अंदर उसका रेशियो कैसे होना चाहिए, पिक्सल्स क्या होने चाहिए, उसमें जो आपका टेक्स्ट का जो कंटेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वीडियो की लेंथ क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें कहाँ से आपको पता लगेंगी। आपको कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा। आपको लिंक भी आप वहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और सही ऐड क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों सही ऐड रिकमेंडेड साइजेस और स्पेसिफिकेशन से अगर बनाओगे तो आपका रिस्पांस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपकी क्वालिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आपके परफॉर्मेंस बढ़ेंगे एड्स के। तो दोस्तों बहुत यूज़फुल है ये, इसको अंत तक वीडियो देखिएगा और उस लिंक को सेव करके रखिएगा। फ्यूचर में कभी भी अगर आपको एड्स बनाने हो, अलग अलग प्लेसमेंट्स के लिए ऐड बनाने हो, तो ये आपके लिए काम आएगा। चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप अपने फेसबुक के एड मैनेजर या बिजनेस मैनेजर अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो हमारे ट्यूटोरियल्स हैं चैनल में, वहां से जाके आप सीख सकते हो एड मैनेजर बिजनेस मैनेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करें फेसबुक पे। तो जैसे आप लॉगिन करोगे तो आप जहां पर कैंपेन बनाने का ऑप्शन होता है वहां पर जैसे आप डैशबोर्ड पर आओगे तो क्रिएट का ऑप्शन आता है जहां से हम ऐड बनाते हैं। तो हम यहाँ क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर एड्स आ गए हैं और ऑलमोस्ट सारे एड्स के ट्यूटोरियल्स हमारे चैनल में हैं जहाँ से जाके आप पूरा ऐड बनाना सीख सकते हो। तो आपको दिखाऊंगा कैसे ये कन्फ्यूजन दूर करें कि क्या साइजेस होने चाहिए एक्चुअल, या वो इमेजेस या एड्स के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है आपने, तो वो यहाँ से मैं आपको शो करता हूँ। तो जैसे मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन, ठीक है, और वो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक करा। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ भी कुछ नहीं करूंगा, सीधा आपको वहां ले जा रहा हूँ जहां से हम देख सकते हैं। तो मैं ऐड के सेक्शन में आया, आइडेंटिटी पे आया मैं। अब जैसे मैं यहाँ पर आया ऐड के सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर अभी ओपन हो जाएगा। तो अब दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक हमारा फेसबुक का पेज ऐड है और उसी से रिलेटेड इंस्टाग्राम अकाउंट भी हमने कनेक्ट कर रखा है, ऐड कर रखा है फेसबुक के अपने पेज में। तो एक बार ही इसको दोबारा से सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम आए, यहाँ पर अब हम आएंगे क्रिएट ऐड में। तो क्रिएट ऐड में आने के बाद यहां पर देखिए दोस्तों, हम आएंगे अब नीचे और यहां पर हमें सेलेक्ट करना है क्राउजल एड्स या सिंगल इमेज एड्स। जब हम क्राउजल एड्स पे क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर तो फेसबुक ने दिखाया बताया कि रिकमेंडेड साइज 1000x1000 पिक्सल्स है और यहां पर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, टू मैक्सिमाइज एड डिलीवरी यूज एन इमेज दैट कंटेन्स लिटल और नो ओवरलोडेड टेक्स्ट, इसके बारे में और जानना है तो यहां से पढ़ सकते हैं। मगर हमें अगर सारे एड्स और अलग अलग सेक्शन, जैसे कि आप यहां पर देखिए डेस्कटॉप फीड, अगर हमें फेसबुक स्टोरीज ही चलानी है, फेसबुक वीडियोस चलानी है, या जो भी हमें यहाँ पर
चलाना है, इमेज हो, टेक्स्ट हो, क्राउजल हो, सबकी इंफॉर्मेशन कैसे मिले एक ही बार में वो देखिए। यहां पर हम सिंगल इमेज वीडियो पे क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं मीडिया का जो बटन आ रहा है इसके नीचे आप देखिए व्यू रिकमेंडेड इमेजेस स्पेक्स एंड वीडियो स्पेक्स स्पेसिफिकेशंस। मतलब तो यहां पर हमने क्लिक करा इस लिंक पे और यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर देखिए जैसे मैंने वीडियो पे क्लिक करा तो यहां पर पूरा वीडियो का आ गया के रेशो क्या रहेगा, मैक्सिमम फाइल का साइज 4 GB रहेगा, मिनिमम लेंथ 1 सेकेंड रहेगी, वीडियो लेंथ मैक्सिमम कितने मिनट रहेगी, सारी चीजें आ गई। टेक्स्ट करेक्टर्स आ गया, वीडियो के ऊपर जो थंबनेल होना चाहिए उसके ऊपर कितना परसेंट टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है, ये पूरा वीडियो के बारे में बता दिया। अब ऐसे ही इमेज उससे रिलेटेड पूरी डिटेल यहाँ पर आ गई, आप देख सकते हैं सारा का सारा कितना रिकमेंडेड यहाँ पर रेजोल्यूशन, ये जो पिक्सल्स हैं कितना होना चाहिए, 1080 बाय 1080, कितने करेक्टर, हेडलाइन, सब चीजें हैं इसके अंदर। ऐसे ही क्राउजल्स में आ जाइए आप। अब यहाँ पर आप देखिए पूरी डिटेल आ गई, ठीक है दोस्तों, हर एक चीज है यहाँ पर। और फेसबुक की डायरेक्ट आप साइट में देख रहे हो तो गलत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और इनकी रिकमेंडेड चीजों को अगर आप फॉलो करोगे तो रिजल्ट्स आप देखिए कितने बेहतर आएंगे, और एड्स भी बहुत जल्दी अप्रूव्ड होंगे और परफॉर्म भी अच्छा करेंगे। आप यही कलेक्शंस में देख सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ पर क्लिक कीजिए आप, यहाँ पर फेसबुक राइट कॉलम, आर्टिकल, मार्केट प्लेस, स्टोरीज, ठीक है, इंस्टाग्राम स्टोरीज, मैसेंजर इनबॉक्स, सारा का सारा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ वीडियो पे क्लिक करा तो यहाँ पर वीडियो से रिलेटेड आ गया, देख रहे हैं वीडियो के मतलब यहाँ के लिए वीडियो कैसे चाहिए, फेसबुक वीडियो फीड्स के लिए कैसे चाहिए, ठीक है, इसके लिए आ गया। इमेज पे जाऊंगा तो इमेज से रिलेटेड सारी प्लेसमेंट्स आ जाएंगी, कहाँ पर कैसे चाहिए। तो दोस्तों इस लिंक को देख लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद आपको दिक्कत हो ही नहीं सकती कि आपको किसी भी सेक्शन के लिए, किसी भी प्लेसमेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए ऐड फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे चलाना है, वीडियो, इमेज, क्राउजल या कुछ भी, आप इसको फॉलो कीजिए। तो दोस्तों जाना कितना आसान है पता लगाना कि क्या रेजोल्यूशन और हमें स्पेसिफिकेशन चाहिए जब फेसबुक इंस्टाग्राम के ऐड्स चलाना चाहते हैं। इसी तरीके से दोस्तों हम लगातार आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग के छोटे से बड़े प्लेटफॉर्म की अलग अलग वीडियोस, प्रैक्टिकल नॉलेज, फंडामेंटल स्टेप्स, ट्रिक्स, हर चीज़ आपके लिए रोज़ बना रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि वो लोग भी इससे सीख सकें जो अपने लिए जॉब चाहते हैं, करियर में अपडेट्स चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, या अपने बिजनेस के लिए सही एड वो बनाना चाहते हैं और अपनी लीड्स या बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडा।